हाय वेलकम एवरीवन। तो अभी जो ओपोनेंट है ना वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर खेलता है, तो हमें जो है इनके सामने बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा। और बात करें भाई, देखो आप खुद अपनी टीम के कैप्टन होते हो इस वाले गेम में। ये वाले गेम की ये खासियत है कि आपको भाई बहुत स्ट्रेटेजी के साथ कभी कभी खेलना पड़ सकता है। यहाँ पे ओपोनेंट ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था और पीछे की साइड पहले तो फील्डर नहीं रखा था इन्होंने, तो मैंने पहले शुरुआत 3-2-3 से करी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, अभी यहाँ पे खेला है 222 और ये देखो यहाँ पे फील्डर है नहीं, तो फ़ायदा तो मिलेगा एक और चौका। अब यहाँ पे अभी भी फील्डर तो है नहीं, तो यहाँ पे दो रन और जाएंगे हालांकि, बट चौका नहीं मिलने वाला। अब देखो ये फिर से फ़ायदा उठाने का टाइम है, एक और चौका मिलेगा, 14 पे पहुँचेंगे हम। फाइनली ओपोनेंट ने यहाँ पे फील्ड लगा दी है, तो अभी यहाँ पे हम 308 खेलेंगे। तो दो रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई, तो टोटल हम पहुँचे 16 रन पे। नेक्स्ट ओवर है शमशी का, पहले बॉल पे 6-3-2 खेलेंगे। ये वाला शॉट नया शॉट है, काफ़ी दमदार है। तो अभी हम पहुँचेंगे 18 पे। अब अगली गेंद पे पता नहीं बॉल कौन सी करिए, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रोक खेलेंगे। चलो यहाँ पे 3 रन मिल जाएंगे हमको, तो अभी हम पहुँचेंगे 21 रन पे। नेक्स्ट बॉल, अरे यार बेहतरीन गेंदबाजी, मुझे लगा एक और बार शायद फ्लिपर करेंगे। एक ही रन मिलेगा भाई, 156 खेला, बहुत तेज़ी से फील्डर के पास गया तो रिस्क नहीं लिया मैंने। अब यहाँ पे फिर से खेला है स्ट्रोक शॉट और इस बार भी एक ही रन मिलेगा। ससुरा यार ओवर ख़राब हो गई है, लास्ट गेंद बचा है ओवर का। चलो आखिरकार बढ़िया टाइमिंग के साथ ही शॉट को खेल दिया है 4 रन के लिए, तो दो ओवर के बाद अपना स्कोर हुआ 27 रन। विकेट अब तक गया नहीं है। नेक्स्ट ओवर है यहाँ पे वॉक्स का। अब पहला बॉल, टाइमिंग परफेक्ट थी बट ससुरा यार परफेक्ट पे कैच जाना तो भाई होता ही रहता है। ये पेरेरा आउट 6 रन बनाकर, यार शुरुआत में ही एक विकेट ससुरी चली गई। अब नेक्स्ट वाले बॉल पे फिर से सेम डायरेक्शन पे खेला यार भाई, एक और विकेट। 27 पे बैक टू बैक दो विकेट चली गई भाई, एक तो परफेक्ट पे गया एक पे अर्ली हो गया। ये परफेक्ट पे जब विकेट जाए ना उसके बाद ससुरा यार स्ट्रोक खेलना ही सही रहता है। यहाँ पे खेला 494, दो रन मिलेंगे। 29 पे पहुँचेंगे हम ढाई ओवर के बाद। अब इस वाले पे यहाँ पे फिर से दो रन के लिए खेल दिया है 112, ये शॉट काफ़ी कमाल है 112। इस बार अरे 6-3-2 खेलने की कोशिश थी बट स्विंग डाला था, स्विंग नहीं रिवर्स स्विंग, और अभी देखते यार आगे क्या होता है। और ये तो भाई एज लग गई। तो तीन ओवर के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 36 पे पहुंचे, कुछ खास रन रेट नहीं, सिर्फ रन रेट है अभी 12 का। तीन ओवर हो चुकी है और अब लास्ट की दो ओवर बची है, और यहाँ पे बॉलिंग है अब अक्षर पटेल के हाथ में। तो यहाँ पे देखो ऊपर की फील्ड खाली है, तो 12 पीएम का स्ट्रोक शॉट हम यहाँ पे खेल सकते हैं बड़े आराम से, तो दो रन लेंगे। यहाँ पे ओपोनेंट ने फील्ड में ये एक मिस्टेक करा है फील्ड रखने में, यहाँ पे एकदम मस्त टाइमिंग के साथ चौका। तो अभी हम पहुँचेंगे 42 पे। नेक्स्ट बॉल, एक और बार सेम शॉट खेलेंगे, इस बार भी चौका। तो अभी हम पहुँचे 46 पे। तो अच्छा है यार इस टाइम इस शॉट पे हमने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करी है, इस प्रैक्टिस के चलते हमारा जो है यहाँ पे टाइमिंग बहुत अच्छे से बन रहा है। एक और चौका, अब ये तो वाइड जा रहा था तो मैंने सोचा बस जाने ही देते, तो एक्स्ट्रा एक रन मिला, काम बन गया। नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पे टॉप स्पिन था बट चलो फिर से अच्छे से टाइमिंग हो गई। एक और चौका, 55 पे पहुँचेंगे हम। देखते हैं अब नेक्स्ट बॉल,
भाई यहाँ पे अब फील्डर लगा दिया था और हमने यहाँ पे 276 खेल दिया है और बढ़िया टाइमिंग के साथ एक और चौका मिलेगा। अब लास्ट ओवर है बोल्ट का, अभी हम पहुँचे 59 पे और चलो देखते यार क्या खेल सकते हैं। 63-2 से शुरुआत करी बट कुछ खास नहीं, बेहतरीन शॉट था ये बट फील्डर ने रोक लिया। एक तो परफेक्ट पे कैच गया था, एक ये छक्का रुक गया भाई। डेफिनेटली 9 रन का घाटा हुआ है यहाँ पे टोटल। ये बढ़िया शॉट, एक और चौका, 66 पे पहुँचेंगे हम। 4.5 ओवर के बाद 66 का स्कोर हुआ है, यहाँ पे एक ही रन ले पाएंगे। बहुत तेज़ ट्रैवल करी है गेंद, तो अभी हम पहुँचेंगे 67 पे। देखते इस वाले गेंद पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 2 रन के लिए जा सकते हैं। बढ़िया फील्डिंग लगा रखी है भाई ने, चौके का कोई मौका नहीं। 4 ओवर 5 गेंद, 69 रन, 2 विकेट। अब आखिरी गेंद है और ये बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेल दिया है 6 रन के लिए। तो अभी हम पहुँचेंगे 75 पे। अब 5 ओवर के बाद 75 का स्कोर अच्छा ही है। यहाँ पे गायकवाड़ और वांडर डसन आ चुके हैं। अब हम जो है वो अक्षर पटेल के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अब देखो ओपोनेंट बहुत तगड़ा था भाई, शुरुआत इसने बहुत बेहतरीन करी और यहाँ पे पहले ही गेंद पे 2 रन। ये एकदम इम्पॉसिबल विक्ट्री लग रही थी। यहाँ पे हमको जो है बढ़िया सी कैप्टेंसी करने की ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पे एक और छक्का गया, क्योंकि अपनी टीम के कप्तान हम खुद हैं। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बॉलिंग सेटअप करना पड़ता है। देखो पावर प्ले में जो वाट लगी है अपनी, एक और चौका वहाँ पे गया। अब ये देखो अब यहाँ पे भी अच्छे से खेल दिया है। तो अभी तो सिर्फ 4 गेंदें हुई है और भाई साहब पहुँच चुके हैं 14 रन पे। मतलब इनको रोकने के लिए कुछ तो करना था। एक बार रिस्क लिया ऑफ स्पिन करने का, वो भी एकदम पीछे से गेंद डाल के, बट भाई ने जो मूवमेंट कराया वो बहुत ही बेहतरीन था। और अभी यहाँ पे देखा जाए ना तो छक्के चौके के साथ इसका जो स्कोर है वो पहले ओवर में बन गया 23 रन का। भाई पहले ही ओवर में 23 मार दिए, 76 चेज कर रहा है ये। टारगेट तो इसको बढ़िया दिया बट बहुत ही तेज़ी से चेजिंग की ओर बढ़ रहा। पहला बॉल दूसरा है पर यहाँ पे फिर से अच्छे से खेल दिया है। एक ओवर एक गेंद, 25 रन, 0 विकेट। नेक्स्ट बॉल पे कैरम करा है, फिर से अच्छे से खेल दिया, इस बार एक ही रन जाएगा। अभी अब पहुँचे 26 पे। अब नेक्स्ट बॉल कैरम करा आगे रख के, बट यहाँ पे भाई किस्मत साथ दे गई, विकेट आना चाहिए था यहाँ पे, बट 2 रन मिलेंगे। एक ओवर 3 गेंद, 28 रन, 0 विकेट। अब यहाँ पे बढ़िया कनेक्शन, हालांकि लेट था बट कनेक्शन इतना बढ़िया कि 4 रन मिल जाएंगे, 32 पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे गेंद खाली, ये बेहतरीन बॉल। एक ओवर 5 गेंद, 32 रन, 0 विकेट। ये फिर से चौका, 36 पे पहुँच जाएंगे यार। 2 ओवर में ही 36 मार दिए, वो भी बिना विकेट के। अब इसलिए मैंने सोचा अब तो वॉक्स को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अपना मेन बॉलर है वॉक्स। अगर वॉक्स की कुटाई होगी तो बैंड बजेगी, बट वॉक्स यहाँ पे ऐसा बॉलर है जो बचा भी सकता है। अभी 2 ओवर 1 गेंद, 37 रन, 0 विकेट। अब नेक्स्ट बॉल, चलो तो यहाँ पे चकमा दे दिया है फिर से। पीछे बहुत जल्दी से हट रहे थे ओपोनेंट, बहुत जल्दी से पीछे हट रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा ऑफ साइड पर गेंदबाजी करी जाए। लेग साइड के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखो अभी ऑफ साइड के लिए मैं इसलिए गेंदबाजी कर रहा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये बहुत जल्दी से पीछे हट रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, चलो बच गए एक और बार, वार्निंग बॉल था भाई। ये ओवर ने काम बना दिया, नहीं तो इसको 12 की रेट से खेलना था। बट अभी जो है वो अभी भी वैसे देखा जाए तो इनको 35 रन चाहिए 12 गेंदों में। और अब हम लेके आएंगे बोल्ट को, क्योंकि शमशी को लास्ट ओवर में लाना ही अब सही रहेगा, क्योंकि ये ओवर अगर अच्छी जाती है तो प्रेशर बनेगा ओपोनेंट के ऊपर। यहाँ पे 2 रन के साथ शुरुआत होगी, 43 पे पहुँचेंगे। मैंने यहाँ पे रिस्की फील्ड सेट लगा रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी चूक होती है तो कैचेस के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। हाँ अगर वाट लगती है तो इसी पे ही ज़्यादा लगेगी, बट चांस तो है।
अब यहाँ पे 276 बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है, इतना पीछे गेंद डाला था बट क्या ही ज़बरदस्त कनेक्शन करवाया है भाई ने 276 पे। ये देखो एक और बार भाई, दो बार बैक टू बैक बढ़िया कनेक्शन। ऊपर से वो फील्डर का कोई मतलब डर नहीं इनको, जो पहले सर्कल में हमने रखा है, क्योंकि मिस होने पे वो फील्डर कैच लेता ही लेता है भाई, 90% कैच जाता है इधर। बट ये देखो बैक टू बैक छक्के चौके लगा के 58 पे पहुंच गए। अब चलो आखिरकार ये गेंद पे काम बन गया अपना। अब लास्ट ओवर हमें जो है शमशी से करनी है, और इनको बहुत कम रन चाहिए, कम तो नहीं 18 रन चाहिए वैसे अभी भी, बट पहले ही गेंद पे अच्छी शुरुआत चौके के साथ। अब इनको चाहिए 5 गेंदों में 14 रन। अब यहाँ पे एक और फ्लिपर करा, और यार ये लेट हो गया था, बट किस्मत अच्छी रही कि एक और चौका इनको मिल जाएगा। तो अब इनको चाहिए 4 गेंदों में 10 रन। मैंने सोचा एक बार लेग स्पिन कर लेते हैं, बट लेग स्पिन पे भी सेम हालत, एक और चौका, 70 पे पहुंच गए हैं। अब इनको सिर्फ 6 रन चाहिए थे 3 गेंदों में। अब हर एक बॉल पे 2-2 रन चाहिए था, बट यहाँ पे एक टॉप स्पिन इस तरीके से डाला कि चकमा खा गए। अब यहाँ पे एक और बार लेग स्पिन पे चकमा खा गए, क्योंकि ये फ्लिपर सोच के खेले थे। अब लास्ट बॉल पे इनको मारना था छक्का, और देखो विकेट एक भी नहीं गिरी, बट हमने जो इस मैच को जिताया सिर्फ और सिर्फ 3 रन से। भाई वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर, बाय।